वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सफर। इस नए सफर में हम आपकी मुलाकात कराएंगे देश भर के ऐसे एग्रीप्रेन्योर से जो मिलेट्स को लेकर काम कर रहे हैं, और इस नए सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं हैदराबाद से। तो चलिए फिर। थैंक यू सर, ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपका आपने बनाया है, दिख रहा है। या प्लीज मैडम, बी सीटेड। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। तो श्री हरि जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में। या नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम श्री हरि है। मैं और यहाँ न्यूट्री मैजिक और मिलेट चफ का फाउंडर हूँ। यहाँ हम मिलेट से काम करते हैं। अभी यहाँ मिलेट्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि पीपुल की मिलेट्स में रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स और ये रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है। और मिलेट्स में ये जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है, लाइक मिलेट ग्रेन्स है, फॉक्सटेल ग्रेन्स, लिटिल कोड और फाइव वेराइटी ग्रेन्स है। और रेडी टू कुक में इडली रवा और उपमा और बहुत सारे रेडी टू कुक रेडी हेल्थी मिक्स भी है। और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में ये है कि और यू कैन गेट द मिलेट पिज्जा, मिलेट बर्गर और मिलेट लड्डू इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड वट एवर द प्रोडक्ट्स यू गेट विथ वीट, 100% मैदा फ्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन आवर मिलेट चेफ आउटलेट। तो श्री हरि जी का ये आउटलेट है जहाँ पे रेडी टू कुक चीजें तैयार की जाती हैं। और नेक्स्ट सवाल आपसे जो मेरा मैं जानना चाहती हूँ श्री हरि जी, मिलेट्स ही को क्यों चूज किया आपने? अभी अभी देख रहे हैं, अभी सोसाइटी में लाइफ स्टाइल डिसीजेस डे बाई डे इंक्रीजिंग, पीपल आर वेरी एडिक्टेड टू दी जंक फूड्स, मैदा फूड्स, एंड दे आर नॉट गेटिंग दी बैलेंस फूड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। सो आई हैव सीन मेनी पीपल सफरिंग फ्रॉम दी लाइफ स्टाइल डिसीजेस थ्रू इन मार्केटिंग, फार्मा मार्केटिंग कंपनी, दैट मेड बी ट्रिगर टू दी स्टार्ट दिस मिलेट बिजनेस। तो जो भी हेल्थ इश्यूज थे आपने उसको देखते हुए मिलेट्स पे काम करना शुरू किया, तो किस तरह के चैलेंज आप इस मिलेट्स को लेकर फेस करते हैं? आई थिंक सही क्वेश्चन पूछा भी। Compared to the ancient days, olden days, people used to take only millet grains as the food. But now with the development of the technology and this availability, we are made the, like whatever the foods we get from the wheat and all, with millets we have made the millet pizza, millet burger and millet ready mixes, all the foods which are available with rice and wheat, now we made with millet also. So that even students, children, they are very much interested in this pizza and burger especially. They are liking, now taste is improved compared to olden days. जी बिल्कुल, पहले जो पुराने जमाने में जब मिलेट्स खाया जाता था तो बहुत ज्यादा टेस्ट उसमें नहीं होता था, क्योंकि होता क्या था कि सिर्फ आपको रोटी मिल रही है बाजरे की या फिर ज्वार की रोटी ही आप खा सकते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो यूथ है उसको टेस्ट की डिमांड ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू द हेल्थ। तो आप उसमें पिज्जा भी दे रहे हैं, आप उसमें नूडल्स भी बना के दे रहे हैं, तो हेल्थ और टेस्ट दोनों एक साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे, तो आप हमें दिखाएं। As we are entering into the production area, we have to maintain some hygiene things. Please wear this. This is a cap. Yeah, cap we have. तो अंदर की production unit है, यहाँ पर मतलब millet से बनी चीजें जो है वो तैयार होती है, तो यहाँ पे hygiene का पूरा ख्याल रखा जाता है। उसके लिए हमें अपने बालों को कवर करके कैप पहन के ही अंदर जाना है। तो चलिए अंदर देखते हैं किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर millets की चीजों का। Yeah, madam, please come. Now I'll introduce my friend. He is Mr. Shyam and founder of Millet Chef. And a pura R&D our production technology recipes development and pura ano dekh lete hain. Nice meeting you, Shyam ji. Good morning, madam. Ji, very good morning. This is Shyam. I am into this kind of R&D since 2014. I started this R&D as per my previous experience in the bakery field. We thought that we are going to eliminate the maida content in the bakery and entire bakery. After that, we had developed some kind of ready mixes without chawal in the regular day-to-day activity, day-to-day foods, because of the nutrition content which is having more in that millet-based foods. That's what we started in journey in 2014 in this kind of R&D. जी, मैंने ये सवाल श्री हरि जी से भी पूछा था, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपने मिलेट्स को क्यों चूज किया है।
millet means the ancient grains which is having more nutrition values in the food as compared to the regular chawal like rice. Right. That's the reason we selected the millet based foods in this segment. आपने जो मिलेट्स है उसकी इम्पोर्टेंस को समझा है. आप जानते हैं कि मिलेट्स में वो ताकत है कि ये बीमारियों को भी ठीक कर सकता है. अगर ये हमारे खान पान का हिस्सा बन जाएगा तो तमाम बीमारियां हमारे ऑटोमेटिकली चली जाएंगी. ये कहे कि वो कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो मिलेट शायद उसी का काम करता है. तो बहुत अच्छा लग रहा है श्याम जी आपसे भी मिलकर कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि कितना चैलेंजिंग होता है लोगों को अवेयर करना मिलेट्स को लेकर. The millets awareness is right now is good, but has to know the taste of the millet-based foods to the consumers, because the consumers having the kind of small illiterate people cannot understand that nutritional related information to the millets. So that has to encourage through government, and we are going to give the some kind of demos and all those things and giving the some kind of taste of food. Then only they can aware this millet-based foods importance. जी बिल्कुल. भारत सरकार ही नहीं सारी जो दुनिया है इंटरनेशनल लेवल पर जो मिलेट्स है उसको प्रमोट करने पे लगी हुई है, क्योंकि सब जान गए हैं कि जो मिलेट्स है उसकी क्या खूबियां हैं. तो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, इसको हम समझना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन किया. श्योर मैडम. दिस इज द फर्स्ट मिशन वी हैव डिजाइंड फॉर आवर रेगुलर आइटम्स टू बनाने के लिए. वो पिज्जा बेस एंड रोटी and pav bun pani puri like puri katne ke liye wo ye wala bhai hai aisa batter aisa aa jayega aane ke baad wo dai cut karte chota chota piece aa jayega usi se wo pani puri banayega aisa main like that only we can make the pizza base as well as we can make the and the roti whatever we need we have designed this mission in practical way and we have given the inputs to the manufacturer and made for according our requirement to match with the millet based foods like that. Yeah, we are. And this is one more machine. We are going to use this machine for the vacuum based foods. Whenever the grains or the millet grains we are going to pack vacuum that will give the more self light to give. And also, this is one more machine. We are going to use this machine for sheet wrap. Whenever we are going to put the food products in the box, we are going to give a sheet and wrap it. It will give protection from the contaminant. As well as this is one more machine we have uniquely designed for the cookies making. This entire segment is making for the handmade cookies, like whatever the required. Consistency and whatever the required related to the millet based batters, we have designed uniquely with the manufacturers. And we have another machines also inside. We will go inside and we'll explain everything. This is one more machine we are going to make for some kind of idli dosa batter for according to the millet based foods. We have designed this one, and this is one more mission to make the batters for cake and all those things. Now, cake and making missions, and this mission is exclusively designed for dough making, for the bread dough and pizza base like that. So we are going to make the dough and roti dough also we can make in this. From this, we can use the tables and we will make and by hands, and then. We are going to use this kind of mission. This is the baking units. We are using all kind of millet based cookies, cake, bread, whatever we are making here. This is the baking facility. Here you can find and you can see the cake is available in this. So millet cake. Millet cake. Millet cake. Magic cake. And I can show another kind of thing, which is called a pizza base. What we made it. This is a millet pizza. Millet pizza. This is completely 100% maida free concept as well as sugar free concept. So you can taste this kind of foods in our outlet as well as right now you can taste. बिल्कुल. मिलेट से बने हुए केक है और कुकीज है, तो हम भी जरूर टेस्ट करेंगे. जब तक मैं ये टेस्ट करूं तब तक आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक. जल्द लौटते हैं दूरदर्शन किसान पर.
हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि हम इस नई जर्नी में हैदराबाद आए हुए हैं। हैदराबाद में हम मिल रहे हैं श्री हरि जी से और साथ में है श्याम जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये केक टेस्ट किया था, ये वाकई यम्मी है। आप बिल्कुल नहीं पता लगा पाएंगे कि मिलेट से बनाया है, एक नॉर्मल केक है। श्याम जी वहां पर भी मैं उस मशीन में देख पा रही हूँ कुछ तैयार हो रहा है, वो क्या तैयार हो रहा है आपसे जानना चाहेंगे। अभी क्या है अपने वो केक है ना जी, ये केक वो प्रोसेस कर रहा है मैडम। अच्छा सेम केक वही प्रोसेस हो रहा है आपको देखने के लिए जी। ये वाला केक प्रोसेसिंग है, मिलेट केक है, तो बिना मैदा का बिना चक्कर का है तो ये। तो उसमें अंडा है, अंडा में डाल के मिक्स करने के बाद और हमको मिलेट फ्लोर है, आप देखने देखे है ऐसा है। ये कौन सा मिलेट है? ये वाला जोवर का फ्लोर है, जोवर का फॉक्सटेल का कॉम्बिनेशन है ये वाला, और उसी से बना रहा है एक केक। तो पूरा क्रीम आने के बाद में फ्लोर एंड घी ऐड करने के लिए कोशिश है। थोड़ा मेरा पूरा मिक्सिंग होने के बाद तो ट्रे में लगाना चाहिए। तो मशीन की फंक्शनिंग हमने यहाँ पर समझ लिया, किस तरह से केक तैयार हो रहा है, किस तरह से कुकीज तैयार हो रही है। तो आगे अब क्या मैडम, ये पूरा ये प्रोडक्शन देखने के बाद हम अभी हमारा काउंटर के पास चलते हैं जी। ये आपका काउंटर है और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफी सारे आइटम्स रखे हैं जो मिलेट से तैयार है। यहाँ पे लड्डू की कई फॉर्म्स रखी हुई है, केक है। अभी आप यहाँ सारे वेरायटी ऑफ मिलेट प्रोडक्ट देख रहे हैं। ये हमारा सुधीर रेड्डी जी है जी, उन्होंने अभी पूरा हमारा मिलेट फ्रेंचाइजी का काम देख लेते हैं। अभी आप इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। जी जी, वेलकम ऑन कृषि स्टार्टअप एंड वेलकम ऑन डीडी किसान सुधीर जी। तो आप यहाँ पे काफी सारे आइटम लेके बैठे हैं, तो मिलेट्स पर क्या बताना चाहेंगे आप हमें? मिलेट का आइटम बोले तो ये पूरा सब लोग सोचते मिलेट बोले तो टेस्ट कम रहता, बोलते सब लोग सोचते हैं, हमारा वैसा कुछ भी नहीं है मैडम, टेस्ट तो अच्छा रहता। सब मिलेट हम लोग जो मिलेट यूज कर रहे हैं सब मिलेट का ही रहता, बिना मैदा का रहता। जो भी आइटम है बाहर का मैदा का आइटम जो टेस्ट है वो टेस्ट हम लोगों दे रहे जी। ऐसा हम लोगों का केक है ये, सीरी इंडस्ट्री में सब लोगों हमारा केक का पसंद रहता, क्यों बोले तो सीरी इंडस्ट्री वाला पूरा हम लोगों का फ्रांचाइजी करने पास आता, वो लोग आके केक का बिल्कुल केक पूछ के लेके आते काल केक जी। तो सिने इंडस्ट्री के लोग आपसे केक खरीद के जाते हैं, तो लेकिन वो टीवी पर एड तो नॉर्मल केक का करते हैं और खरीदते आपसे मिलेट वाला है? मिलेट वाला ही पूछ के खरीद करते हैं लोग, उन्होंने तो बिना मैदा का है बोलते खरीद करते हैं। तो देखा आपने, सुधीर जी बता रहे हैं कि जो सिने जगत के लोग हैं वो भी आकर यहाँ से जो मिलेट वाला केक है वो खाते हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं। लेकिन एड भले वो किसी भी नॉर्मल मैदा वाले केक का या कुकीज का करते हो, लेकिन वो यहाँ से मिलेट्स वाले ही केक या मिलेट वाले आइटम्स ही खाना प्रेफर करते हैं। तो आप भी जाग जाइए और मिलेट्स को आज ही से अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। अवर्स इज द फर्स्ट वर्ल्ड्स मैदा फ्री बेकरी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन टू दिस फील्ड एंड आई सजेस्ट पीपल टू ईट मिलेट्स एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी। Finally, happiness lies in health. So I suggest people to eat more millets and help farmers to grow more and more millets. NutriHub में दो तरीके प्रोग्राम्स हैं। एक स्टार्ट करने वाला का, स्टार्ट करने वाला स्टार्टअप से है, they can come and get their seed funding for up to 5 lakhs. वो केवल उन लोग का है, उन लोग का कोई आइडिया है मिलेट का एंटरप्रेन्योरशिप में, केवल आइडिया है, उनके पास कोई बिजनेस अभी तक है ही नहीं, चालू नहीं है, उन लोग ये फंड यूज कर सकते हैं 5 लाख तक उनका स्टार्ट करने के, मिलेट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए। ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है।
दूसरा स्टेप सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज फॉर पीपल, उनका ऑलरेडी मिलेट में एक बिजनेस है, वो चालू है, एक प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, उन लोग भी हमारा साथ आ सकते हैं। उन लोग का एनग्रेन करके एक दूसरा प्रोग्राम है, उसमें मैक्सिमम 25 लाख तक उन लोग ले सकते हैं उस मिलेट प्रमोशन के लिए, उनका बिजनेस प्रमोशन के लिए। सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ा ये सफर जारी है और ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा और खाके तो हेल्थ भी मिलेगी और टेस्ट तो पूछे मत, लाजवाब होगा। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कुछ ऐसा डेमो दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा, तो चलिए सीधे देखते हैं वो डेमो क्या है। पिज्जा एक ऐसी चीज है जो बच्चों को बेहद पसंद होती है और आजकल तो बड़े भी खाते हैं, लेकिन पिज्जा जो है वो सेहत को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि वो मैदा से बना होता है। तो यहाँ पे जो हम डेमो लेने वाले हैं कृष्णा जी से, वो हमें मैदा फ्री पिज्जा बनाकर दिखाएंगे। मैडम अभी हम यहाँ से सैदाबाद चलते हैं, वहाँ हमारा और दूसरा आउटलेट है न्यूट्री मैजिक आउटलेट, हम वहाँ भी चलते हैं। मैजिक का मिलेट्स आउटलेट है ये पूरा, अपन ये हॉस्पिटल एफएस एंडोक्राइन डायबिटिक सेंटर है, यहाँ एवरीडे अराउंड 50-60 डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं। सो हम पूरा पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं। अभी ये चीज ये है, अभी बीमारी आने के बाद ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, मगर हम ये हम फोकस कर रहे हैं कि फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। अभी बीमारी आने से पहले हम बीमारी की कैसे रोक सकेंगे, सो वो जगह में है मिलेट्स इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि हम हमारा क्लिनिकल इसमें भी देखे बहुत सारे पेशेंट दोज आर टेकिंग अभी जो मेटफॉर्मिन एक ही टैबलेट यूज कर रहे हैं, अगर वो लोग मिलेट स्टार्ट करें विद इन 3-4 मंथ्स वो लोगों का टैबलेट भी कम हो गया, खत्म हो गया, अभी वो लोग नॉर्मल हो गया। डायबिटिक पीपल भी मिलेट्स में उतना ताकत है। 2023 इज गोइंग टू बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस करे, एंड आवर पीएम नरेंद्र मोदी जी सजेस्ट करे यूनाइटेड नेशंस को, so around 76 countries they accepted to promote the millets next year throughout the year, international year of the millets. So this is the time, and they have kept the theme that elevate the awareness of the millets contribution to the food security and the nutrition. Matlab iska matlab simple hai, that means it says ki agar our daily food plate mein ek tarah ek time, whether it be breakfast, lunch or dinner, any one time, if we add millet product in our food plate, we can prevent the so many health problems. This itself is enough. That means, agar aap healthy ho ya unhealthy ho, any everybody, if they take 100 grams of millets in any way, he can have very good healthy life. In future, he will not get any health problems. Like as previously I told, some people, those who used millets grains just like grains, so they could reverse back the diabetes and they stopped to take metformin tablet, they have become healthy now. And they are continuing the taking millet grains also by stopping this white rice. And like abhi jo ye millet jo hai,
we are seeing now how global warming happening, climate changes. So to tackle that issue, and one side we are seeing the growth of the population in a very big manner. So for that scenario, वो जगह में अपने को food security is a very important. And other side, global warming is happening. So in this scenario, if we promote millets in a big way, if we create awareness in a mass level, so that the beauty of the millets is it can grow in any soil. इन ड्रॉट कंडीशंस आल्सो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी समझ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि ये ना सिर्फ हेल्थ पर्पस के लिए तो है ही बेनिफिशियल कि आप बीमारियों से बच रहे, साथ ही साथ जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो क्लाइमेटिक चेंज है और जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे में हमें किसी ऐसी फसल की जरूरत है, ऐसी क्रॉप की जरूरत है, ऐसी कल्टीवेशन की जरूरत है जिसमें कम पानी लगे, कम उसको इरिगेशन की जरूरत हो, और क्योंकि ये जो क्रॉप है एरिड एरियाज में इजिली ग्रो कर जाती है, तो इसके बहुत सारे तमाम फायदे हैं। इस टाइम जैसे क्लाइमेटिक जो चेंज है वो एक बड़ी समस्या बना हुआ है, इंटरनेशनल लेवल की समस्या है वो, और भारत देश जो है वो जाना ही जाता है कि जब जब दुनिया खतरे में पड़ती है ना, तो भारत आगे आके दो कदम आगे आकर उस समस्या का समाधान खोज ही लेता है, और मिलेट्स ऐसी ही एक चीज है जो ना सिर्फ आपके क्लाइमेटिक चेंज को चेंज में मदद कर रही है बल्कि आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव कर रही है। हमने कोविड जैसा टाइम देखा है, ऐसे में हेल्थ का आपको ध्यान रखना ही है। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि मिलेट सिर्फ बिना स्वाद वाली चीज नहीं रह गया है, आपको ये पूरे टेस्ट के साथ दे रहे हैं, और जो देश है हमारा उसको भी इकोनॉमी में भी ये मदद करेगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल लेवल पर मिलेट्स ने पहचान बना ली है। और जैसा कि हरी श्री ओम जी बता ही रहे हैं हमको कि 2023 जो है वो मिलेट ऑफ द ईयर है, और भारत इसमें अपना डंका एक बार फिर बजा रहा है। तो आपसे बात करके बहुत बहुत खुशी हुई आज मुझे श्री हरि जी, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद मतलब मेडिकल फील्ड से हैं, और आपने सोसाइटी के बारे में सोचा है, आपने सोचा है कि पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, आप ये सोचकर इस फील्ड में आए, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। सेहत और स्वास्थ्य से जुड़े मिलेट्स के इस सफर में अगली बार आपसे मिलेंगे एक नए स्टार्टअप जर्नी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।